नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सविता। पेश है रात 9 बजे तक की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले खबरें महानगर से। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एक विज्ञापन को लेकर विपक्षी दलों ने हमला बोल दिया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि सीएम योगी ने अपने विज्ञापन में बंगाल की बुनियादी सुविधाओं के विकास की तस्वीर का इस्तेमाल किया। वह तस्वीर कोलकाता के एक फ्लाईओवर की है। इसे लेकर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। इस मुद्दे पर टीएमसी, सपा आदि ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। विज्ञापन विवाद पर तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के लिए यूपी को बदलने का मतलब ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल के किए गए बुनियादी ढांचे से तस्वीरों को चोरी करना और उन्हें अपने रूप में इस्तेमाल करना है। अभिषेक ने ट्वीट किया और कहा कि ऐसा लगता है कि डबल इंजन मॉडल बीजेपी के सबसे मजबूत राज्य में बुरी तरह से फेल हो गया है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर कहा कि नकली प्रचार करने वालों ने एक समाचार पत्र के विज्ञापन संबंधी त्रुटि का सहारा लिया। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार विकास का प्रमाण है। वहीं भाजपा सांसद दिलीप घोष ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि कौन से फ्लाईओवर की बात हो रही है। देश में कई सारे फ्लाईओवर है, बंगाल में कितने नकली अधिकारी पकड़े गए, पहले उसका जवाब बंगाल सरकार दे। भवानीपुर सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पहले ही नामांकन भर चुकी हैं। रविवार को मंत्री फिरहाद हकीम, तृणमूल नेता कार्तिक बनर्जी ने भवानीपुर में डोर टू डोर प्रचार किया और ममता बनर्जी के समर्थन में वोट की अपील की। जे भवानीपुर मानुष अति उत्साह दाड़ी आज ममता बनर्जी के भोट देवर विशेष कर भवानीपुर मानुषर का सम्मान तरह घर मे भाव নন্দীগ্রামে কলঙ্কিত করা হয়েছে, অপমান করা হয়েছে, যেভাবে ধাঁধলি করে নন্দীগ্রাম জেতানো হয়েছে, পলাশির প্রান্তরে মির্জাফরের জন্যে সিরাজ পরাজিত হয়েছিলেন, সেইভাবে নন্দীগ্রামে আবার মমতা ব্যানার্জিকে আরেকজন নতুন মির্জাফর তাকে পেছন দিক দিয়ে ছুরি মেরেছে। भवानीपुर में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही प्रियंका टिब्रेवाल ने दीवारों पर कमल निशान बनाकर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि हमने एक बार ममता बनर्जी को नंदीगांव से हराया है, दोबारा हम पूरी ताकत से उनसे लड़ेंगे। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, लड़ेंगे और लड़ाई करके हम लोग एक बार ममता बनर्जी को हराया नंदीगांव में और दोबारा फिर उन्होंने यहाँ आई है तो यहाँ भी हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। एक नज़र जिलों की खबरों की ओर। कहते हैं कि एक माँ ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकती। माँ ने सूझबूझ दिखाकर अपहृत बेटे को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया। घटना हुगली की है। यहाँ मोगरा थाना अंतर्गत मीठा पुकुर में एक युवक को बीते 9 तारीख को कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। फिरौती के लिए युवक की माँ से 5 लाख रुपए की मांग की गई। माँ ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। साथ ही माँ ने 1 लाख रुपए देने का वादा कर अपहरणकारी से बेटे को लौटाने के लिए राजी हो गई। जैसे ही अपहरणकारी उसे लौटाने आए, पुलिस ने बदमाश दिलीप प्रसाद को दबोच लिया। वह बीजपुर के सोनापार का रहने वाला है। एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एटीएम मशीन का वोल तोड़कर रुपये चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि इंजीनियर निकला। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना बारेपुर थाना अंतर्गत रामनगर यूको बैंक ब्रांच के एटीएम की है। अभियुक्त का नाम बप्पा मंडल है और वह बैंक का ही इंजीनियर है। एटीएम मशीन तोड़ कर करीब 7,20,000 गायब कर दिया, यह उस पर आरोप लगा है। बारेवी पुलिस जिला के एडिशनल SP इंद्रजीत बसु ने बताया कि इंजीनियर से पूछताछ पर उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत निजी गोल्ड लोन कंपनी में हुए 5 करोड़ की लूट की जांच CID ने शुरू कर दी है। वहीं पुलिस आयुक्त N सुधीर कुमार ने खुद इसे लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। पुलिस CCTV फुटेज एवं अन्य बिंदुओं के आधार पर लुटेरों का पता लगाने की पूरी कोशिश में जुट गई है। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। विजय रूपानी के इस्तीफे के 24 घंटे में गुजरात के नए मुख्यमंत्री पर फैसला हो गया। भूपेंद्र भाई पटेल राज्य के अगले CM होंगे। गांधीनगर में भाजपा विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई। मनोरंजन की खबरों पर एक नज़र। एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती है। सोशल मीडिया पे उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। हाल ही में करिश्मा तन्ना को अंधेरी के एक जिम के बाहर स्पॉट किया गया। वहीं राजकुमार राव को जुहू में आनंद पंडित के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया। एक नज़र धार्मिक खबरों पर।
धार्मिक रूप से सितंबर के महीने का खास महत्व है, इसलिए इस माह पवित्र नदियों में स्नान करके पितरों के नाम पर दान देने से पुण्य मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इससे पितर बहुत खुश होते हैं। बंगाल और देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे खबर एक्सप्रेस के साथ। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं रात 11 बजे। नमस्कार।